भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, जिसको अपन बोलते हैं IARI, जिसको अपन बोलते हैं IARI, उसके अंदर वैकेंसी निकली है टेक्निकल असिस्टेंट की। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो 641, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं तो कितनी है, 641 पोस्ट है। इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। आपके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, एग्जाम सेंटर क्या होगा, बिल्कुल अपन पूरा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले है आपका इम्पोर्टेंट डेट, इसके अंदर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट। तो आपके 18 दिसंबर 2021 से फॉर्म चालू होने वाले, 18 दिसंबर 2021 से आपके फॉर्म चालू होने वाले हैं, ध्यान रखना जो फॉर्म चालू हो चुके हैं। फिर इसके बाद में है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो 10 जनवरी 2022 रात को 11 बजे तक आप फॉर्म क्या कर सकते हो, भर सकते हो। 18 से लेकर 10 जनवरी 2022 तक इसके फॉर्म ओपन रहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस और पेमेंट, तो सेम डेट रहेगी आपकी, जो आपका पेमेंट है वो भी 10 जनवरी 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, ये कब हो सकता है, ये 25 जनवरी से 5 फरवरी 2020 के बीच में हो सकता है, संभावित है, अभी तय नहीं है, लेकिन इसके बीच में हो सकता है। आगे बात करते हैं अपन, टोटल जो वैकेंसी है आपके 641 है, जैसा कि मैंने बताया आपको 641 है, उसमें अनरिजर्व्ड की जो है वो है आपके 286, फिर ईडब्ल्यूएस की 61 है, फिर एससी की 93 है, एसटी की 68 है और ओबीसी की 133 है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक्स सर्विस मैन आ जाता है, फिर रिजर्वेशन और दूसरी जो कैटेगरी है वो आ जाती है। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वहां से जाके आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये वैकेंसी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो विद्यार्थी 10th पास है, 10th पास की बात कर रहा हूँ, 12th की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो 12th पास है वो 10th पास भी है, 10th पास जो स्टूडेंट है वो सभी इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया होता है वो 11th 12th में होता है, तो 10th में कोई सब्जेक्ट का क्राइटेरिया नहीं होता है क्योंकि ऑल सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है असेंशियल क्वालिफिकेशन, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर दिया गया है मैट्रिकुलेशन पास, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन का मतलब क्या होता है, जिन बच्चों ने 10th पास कर ली है वो इसको आसानी से फिल कर सकते हैं, फॉर्म आपको भरना है, वेबसाइट भी बता दी जाएगी अभी आपको। आगे बात करते हैं आपकी एग्जामिनेशन सिटीज क्या होने वाली है, तो एग्जामिनेशन सिटीज लगभग हर राज्य के अंदर, क्योंकि ये इंडिया लेवल की वैकेंसी है, तो हर राज्य के अंदर जो भी आपके पास में, जो भी आपका जिला है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर वो नहीं होता है तो आपके जो डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी जो आपके स्टेट का, जो आपकी भी जो भी राजधानी है, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो वहां आपके सेंटर आने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर आपको सारी जो एग्जाम सिटीज है वो मिल जाएगी, वो पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो। आगे देखिए फीस क्या लगने वाली है आपकी, तो फीस देखिए जो अनरिजर्व के स्टूडेंट हैं, यानी कि जो जनरल वाले हैं और जो ओबीसी वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनकी एग्जामिनेशन फीस लगेगी 700 रुपए, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी 300 रुपए, तो टोटल आपके 1000 का खर्चा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा जो दूसरे हैं, यानी कि कोई लड़की है या शेड्यूल है, या इसके अलावा शेड्यूल के अलावा जो ट्राइब्स हैं, या इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन हैं, ये सब जो हैं, या कोई फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो उनके एग्जामिनेशन फीस तो कुछ भी नहीं लगेगी, बिल्कुल जीरो आरएस लगने वाली है, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपए की फीस जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपके हो गई कि फीस कितनी लगेगी, अब इसके आगे बात करते हैं आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम की स्कीम क्या रहने वाली है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं, आपका जो एग्जाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 25-25 जो सॉरी मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25-25 क्वेश्चन आपके अलग अलग सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और टोटल जो सब्जेक्ट होंगे वो 4 होंगे, ठीक है। जिसके अंदर नंबर 1 पे है आपका जनरल नॉलेज, इसके अंदर आपका इंडिया जीके पूछा जाएगा, इंडिया जीके पूछा जाएगा, इसके आपके टोटल क्वेश्चन आएंगे 25। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका मैथमेटिक्स यानी कि गणित, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है साइंस, जिसके आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितनी देर तक एग्जाम होगा, तो 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। आगे बात करते हैं, देखिए
अब जो जनरल नॉलेज है इसके अंदर दिया गया है, हालांकि पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो आपको दिख रहा नहीं होगा, पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहां से मिल जाएगा, यहाँ नहीं दिख रहा होगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स का ये है, साइंस का ये है और सोशल साइंस का ये है। जो मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस है वो आपके 10th लेवल की, और 10th के अलावा कुछ आपके 11th 12th की भी देखने को मिलेगी, और जीके का तो अपार होता है, जीके का तो कोई सिलेबस नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके एक वैकेंसी है जो T1 के नाम से जानी, T1 के नाम से इस वैकेंसी का नाम है, और टेक्निकल असिस्टेंट इसको बोला जाता है, और IARI के अंदर निकली है, IARI के अंदर ये वैकेंसी निकली है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 641, और जो विद्यार्थी 10th पास हैं वो इसको आसानी से भर सकते हैं। ध्यान रखना 10 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए, और जो बच्चे 10th पास हैं उनको, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आपको जरूर से ये फॉर्म फिल करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।